हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पर्टिकुलर नेपाली डिश बनाकर दिखाता हूँ और उसका नाम है तीते। राय लैंग्वेज में इसे कहते हैं वाचिपा। तीते इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेस्ट में हल्का सा तीता होता है। इसका इंग्रेडिएंट्स जो है क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वाचिपा यानी तीते किस तरह से बनाते हैं। तो देखते हैं तीते किस तरह से बनाते हैं। हियर आर द मेन इंग्रेडिएंट्स। ये जो नज़दीक जो है मिर्चा यानी ग्राइंडेड मिर्चा है, गार्लिक, उसके बाद जिंजर, और ये जो है ग्राइंडेड धनिया, मेथी और जीरा, साथ ही साथ है अनियन, टोमेटो, और जो मेन चीज़ है वो है आपका ये मीट, यानी जिस मीट में से भी जो है आपका चिकन का विंग्स, लेग्स, इंटेस्टाइन और गिजल। डिजर्व यानी जो जो हार्ट स्टमक होता है वो है। और इसका जो मेन जो एकदम इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है जो ब्लैक आपको जो कार्बन दिख रही है, ये जो बनता है इसका जो फैदर है, जो चिकन का फैदर को जलाकर बनाया गया, और ये बहुत ही हाइजीनिक वे में बनाया गया। तो दिस आर द इंग्रेडिएंट्स। और उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है राइस, बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस बहुत जरूरी है। अब ये जो कम्प्लीटली गर्म हो चुका है और यहाँ पे हम डालेंगे तेल। अब तेल को गर्म होने देते हैं। तो अब डालेंगे हम गोटा जीरा और गोटा धनिया, हल्का सा थोड़ा सा। चलिए, और इस वक्त आँच एकदम कम करना है। उसके बाद आपको डालना है प्याज, ये मैं हाथ से डाल रहा हूँ। उसके बाद हम डालेंगे ये जो मिर्चा है, मिर्चा डालेंगे, गार्लिक और ये जिंजर। ये पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमें कुछ और सब्जी भी बनाने, तो इसलिए मैं रख लेता हूँ इसे। ये मिर्चा को पूरा डाल देते। और ये मिर्चा जो है आप किस तरह से डालते हो, कोई लोग होता है बहुत तीखा खाता है यानी बहुत झाल खाता है, और कोई लोग होता है ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। तो अब हम लोगों ने एक्चुअली मैं तो इतना तीखा नहीं खाता, लेकिन फिर भी हम इसे तीखा बनाएंगे। और इसे तली और हल्का सा ये होने के बाद, तलने के बाद अब डालेंगे हल्दी, हल्दी और नमक को भूलना नहीं क्योंकि यही तो मेन चीज़ इन्ग्रीडियंट है। जितना भी अगर टेस्ट हो लेकिन हल्दी और नमक ना हो तो टेस्ट नहीं। उसके बाद ये मीट जो एक्चुअली एग्जैक्टली ये मीट नहीं है, इसमें इंटेस्टाइन है, ये आपका लीवर है, विंग्स है, उसके बाद लेग्स है, इसको छोटा छोटा पीस में बनाया गया है। उसके साथ ही साथ गिजर्ड है, तो इसको पकाना है, इसको डालना है। तो इसको डाल देते हैं और फ्राई करते हैं, फ्राई करते हैं, फ्राई। ये मेरा लेफ्ट हैंड चलता है, तो मैं लेफ्ट हैंड से भी क्या हुआ, टेस्टी होने से मतलब है, आप लेफ्ट पैर से भी पका सकते हो। तो इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। तो उसके बाद डालना है आपको जो रोस्टेड जीरा, धनिया और मेथी है, तो हम डालेंगे कम, इसे पूरा नहीं डालेंगे, तो थोड़ा सा डालेंगे। तो ये एक्चुअली ये दो तीन मिर्चा मैंने एक्स्ट्रा डाला क्योंकि कोई लोग बहुत तीखा खाते हैं। तो हमारे घर में आज दो भाई आ रहे हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो मैंने ऐसे तो बहुत तीखा डाला और एक्स्ट्रा मिर्चा भी डाल दिया और ज़्यादा तीखा होने के लिए। इसके बाद डालेंगे हम टमाटर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अब डालेंगे टमाटर। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो ये दिख रहे हैं ये टमाटर, तो टमाटर भी हल्का हल्का पक रहा है, तो इसे और एक बार ढक देंगे ताकि तीस से जल्दी टमाटर पक जाए। अब हमारा जो वाचिपा है यानी तीते है ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ पे अभी डालेंगे हम बॉइल्ड राइस जो हमने पहले से, लेकिन जो राइस डालना है बहुत कम डालना है, जितना भी ये मीट होता है उससे परसेंटेज उसका बहुत कम होना है। तो ये हम डालेंगे चावल, तो ये बॉइल्ड राइस इसे हम मिलाएंगे इसे। तो जैसे फ्राइड राइस होते हैं उसी तरह से दिख रहे हैं, लेकिन फ्राइड राइस में क्या होता है कि जो
अमाउंट होता है राइस का वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे फ्राइड राइस का अमाउंट यानी राइस का अमाउंट बहुत ही कम है, जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि मीट का जो टुकड़े हैं छोटे छोटे टुकड़े वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इसे थोड़ा देर के लिए पकाएंगे। जो पीते जो बनाते हैं उसे दो तरह से बनाते हैं, एक है ड्राइड और एक है हल्का सा ग्रेवी टाइप का, जो हम बोल सकते हैं कि कड़ी टाइप का, जो करी बनाते हैं तो उस टाइप का। तो हम आज बना रहे हैं थोड़ा सा करी वाला, करी टाइप का। और उसके लिए मैंने पानी अलग से गर्म करके रखा हुआ है। तो लगभग हम लोगों का ये पक चुका है, ये चावल ऑलरेडी पका हुआ है, यानी ऑयल पूरा कम्प्लीटली मिल चुका है। तो इसलिए यहाँ पर अब डालेंगे पानी, ये गर्म पानी जो मैंने ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है, तो गर्म है तो हल्का सा गर्म पानी डालेंगे। तो ये मैंने पानी डाला, तो इसे जैसे पानी भी डाल दिया, अब ऑलमोस्ट तैयार है, 90% तैयार हो चुका है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम जो वोचिपा बनाते हैं, दो तरह के वोचिपा बनाते हैं, एक कड़ी वाली और एक जो है ड्राइड वाली। तो हम कड़ी वाले बना रहे हैं, इसलिए हमने गर्म पानी डाला। और गर्म पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि गर्म पानी अगर कुछ सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इसका टेस्ट बना रहता है। अचानक से लाइट चली गई। तो जैसे मैंने कहा था, डिश का जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, ये है, ये कार्बन है जो चिकन के फेदर को जलाकर बनाया गया था। तो इसे डालेंगे, इसे डालने से जो टेस्ट आता है वो हल्का सा तीता टेस्ट आता है, इसलिए इसका नाम तीते रखा गया है। तीते खाने से बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमें हेल्थ बेनिफिट मिलती है, थकान दूर हो जाती है और एक नई तरह की स्फूर्ति आती है। तो डालेंगे ये कार्बन को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो ये जो कलर आ रही है, देखिए, देख सकते हैं खिचड़ी की तरह कलर आ रही है, लेकिन ये खिचड़ी नहीं है। जो ये कार्बन डालने से एक जो काला सा, जो काला काला जो नज़र आ रही है, तो उसमें एक टेस्ट है। ये ऑलमोस्ट तैयार है, आप इसे ढक देते हैं हल्की थोड़ी देर के लिए। दिस इज़ माई वोचिपा, फाइनली रेडी टू सर्व, गर्मा गर्म वोचिपा। ये रहा, इसे आप चखना के तौर पर भी खा सकते हैं। हमारा दो भाई है, लाइट नहीं है, कैसे टिम्बू डाला है ना? हाँ, क्या बोलते हैं, टिम्बूर, टिम्बूर नहीं डाला है, जीरा है ना? हाँ जीरा है। अरे खतरा है तो। और ये जो भाई है, ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं वो, ये फर्स्ट टाइम है, वाचिपा का नाम भी नहीं सुना था। एक्चुअली नेपाली का है, नहीं राय लिंबू, ऐसे ज्यादातर नेपाली जो पहाड़ी इलाका में। हाँ, इसका नाम तीते, हाँ इसका नाम तीते बोलते हैं, वोचिपा एक्चुअली राय लैंग्वेज में बोलते हैं, तीता है ना, हाँ तो इसलिए तीते। मैंने पहले कहा था कि इसका टेस्ट जो हल्का सा मेरे लिए शायद ठीक ही होगा। और वोचिपा बनाने के लिए हेल्प किया है मेरी वाइफ ने, तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले दिखाया था, तो अभी ये ट्राई करते हैं। बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा तीखा है। आई मीन हम थोड़ा झाल कम खाते हैं तो थोड़ा सा तीखा है, लेकिन ये जितना तीखा हो, जितना ज़्यादा झाल हो, उतना टेस्टी होता है। और एक जो फ्लेवर है, सब फ्लेवर है। तो वाइफ ने भी बताया था कि उसने टेस्ट करके कहा था कि एकदम ठीक हुआ है, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू मेक इट, प्रिपेयर इट विदाउट हर हेल्प। तो लेट्स सी क्या होता है, आज तो मेरी वाइफ ने हेल्प किया, तो बहुत चीपा।